दिस इज टुडेज टॉपिक दैट इज ह्यूमन ओवरी. ह्यूमन ओवरी जो है वो दे आर इन अ पेयर, पेयर में प्रेजेंट होती हैं. टू नंबर ऑफ ओवरीज आर देयर इन लोअर एब्डोमिनल ऑन ईच साइड ऑफ यूट्रस. तो ओवरी का साइज होगा अबाउट 2.4 to 2.5 सेंटीमीटर का साइज होगा और इसकी शेप आमंड जैसी शेप होगी इसकी, ठीक है. और जो ओवरीज है दे आर अटैच टू यूट्रस बाय ओवरियन लिगामेंट. ओवरियन लिगामेंट के साथ डायरेक्टली ज्वाइन होती हैं ये यूट्रस के साथ एंड ऑल्सो दे मेक कनेक्शन विद यूट्रस विद द हेल्प ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स. सो ये स्ट्रक्चर है ओवरी का. इट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट इज ऑल्सो अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल. ह्यूमन फीमेल जो है दैट उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट है ब्लड वेसल जो कि ब्लड प्रोवाइड करेंगी ओवरीज को. देन एग ट्यूब है और है प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल जो है दैट इज अ इनिशिएशन पॉइंट ऑफ ओवम. प्रोडक्शन ऑफ ओवम का इनिशिएशन पॉइंट है दैट इज प्राइमरी फॉलिकल. सो प्राइमरी फॉलिकल जो है ये कैसे बनेगा. जो हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है that gland will produce FSH hormone, follicle stimulating hormone, जो follicles को stimulate करेगी and then primary follicle बनाएगी, उससे secondary follicle बनाएगी, उस secondary follicle से tertiary follicle या ovarian follicle बन जाएगा, then last stage में आके graafian follicle बन जाएगा. चार follicles हैं, primary, secondary, tertiary and graafian. So जो graafian follicle है ये काफी मेच्योर हो जाएगा. एक मेच्योर फॉलिकल है जिसका साइज 2.4 सेंटीमीटर होगा या 2.5 सेंटीमीटर होगा एज अ साइज ऑफ ओवरी. तो काफी बड़ा ये बन जाएगा. इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, ओवम. ओवम जो है वो रेप्चर होता है फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज अ ओवुलेशन डे. ओवुलेशन डे पे जो ओवम है वो रिलीज होगा ओवरी से और कहां पहुंचेगा, यूट्रस में, ठीक है. सो इट इज अ रेप्चर ऑफ ओवम और सेकेंडरी ओसाइट. उसके बाद ये हो गया विद द हेल्प ऑफ हार्मोन FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है. फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन की हेल्प से ये सारा जो प्रोसीजर था फॉलिकल का हुआ. उसके बाद जो ये है, यहाँ पे एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है. जब ओवम रेप्चर हो जाएगा, सॉरी रेप्चर नहीं होगा, जब ओवम जो है वो निकलेगा फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल रेप्चर होगा तो ओवम पहुंच जाएगा यूट्रस में और उसके पीछे यहाँ पे जो सेल्स बचे हैं वो सेल एक बना लेंगे, सिस्टम बना लेंगे. उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम. अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका भी एक मेन फंक्शन है ओवरी के अंदर. ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है. अगर तो ये ओवम जो प्रोड्यूस हुआ है इसकी फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये उसको क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा कंसीव करने में, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करेगा, इंडोमेट्रियम को बनने में हेल्प करेगा और प्लासेंटा को बनने में हेल्प करेगा. तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है. तो इट वॉज ऑल अबाउट ओवरी. आपको पता होना चाहिए ओवरी का साइज कितना है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इसका फंक्शन क्या है. इसका फंक्शन क्या है, इट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन फीमेल, जो है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. इट प्रोड्यूस ओवम. ओवम क्या है, फीमेल सेल है, ठीक है. दैट पार्ट टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड इट वॉज होल अबाउट ओवरी. इसके बाद जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम डिफरेंट जो पार्ट रह गए हैं वो करते हैं, ठीक है. तो ओके स्टूडेंट्स, हेयर इट इज अ कंप्लीट रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल. सो हमने ओवरी की है, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, ठीक है. उसके बाद ओवरी के साथ दीज आर ligaments जो ज्वाइन करती है ओवरी को यूट्रस के साथ, ठीक है. एंड ओवरी के साथ यहाँ पे मैंने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं, दे आर कॉल्ड फिम्ब्रे. ये क्या करते हैं, ओवम को रिसीव करते हैं एंड उसको फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में लेके जाते हैं, ठीक है. अब ये है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बिकॉज इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. जहां पे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और यही जो है ओवम को पिक करके यूट्रस तक लेके आती है,
ठीक है. सो फेलोपियन ट्यूब के मैंने थ्री पार्ट लिखे हैं यहाँ पे, एम्पुला, इस्थमस एंड यूट्रिन पार्ट. जो एम्पुला है वहां पे होगी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस. ये बहुत नैरो पॉइंट, थ्री एमएम का ये साइज होगा इसका, फनल शेप होगी जिसके थ्रू जो ओवम है उसको रिसीव किया जाएगा और यहाँ पे उसकी फर्टिलाइजेशन होगी. उसके बाद ये जो पार्ट है इट इज वॉर्म, जिसको हम वॉर्म बोल देते हैं, या यूट्रस की बॉडी है ये, ठीक है, जिसमें एक जो बेबी है जो हम प्रेगनेंसी के टाइम जो फीमेल कैरी करती है, फिटस को कैरी करती है, वो इसी के अंदर सारी प्रोसेसेस होंगी, दैट इज अ वॉर्म. ठीक है, तो जो यूट्रस की बॉडी है इसके भी टू पार्ट हैं, एक है मायोमेट्रियम एक है इंडोमेट्रियम. तो मायोमेट्रियम इज अ सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस, वो यूट्रस की सॉफ्ट लाइनिंग है. इंडोमेट्रियम जो है दैट इज अ टफ लाइनिंग है, उसके अंदर वेस्कुलर पार्ट होगा वो यूट्रस का, जो कि हेल्प करेगा टू कैरी दैट प्रेगनेंसी, टू कैरी दैट फिटस दैट इज ग्रोइंग इन साइड ह्यूमन फीमेल वॉर्म. एंड इट ऑल्सो ब्रेक डाउन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ इंडोमेट्रियम लेयर. So, body of uterus and then cervix. Cervix is a opening of vaginal tube into uterus. तो ये opening part है जहां पे जो vaginal tube है uterus के अंदर open होती है. It also a part that help in placentation and also help in parturition. Parturition means delivery. Also help baby or offspring to come out from human female. Then it is a vagina. Vagina is a long vascular tube, जो कि उसका भी एक main function है इस vascular tube का. It is also a part of copulation. जो copulation के time जो sperm की entry होती, that is also with the help of vaginal tube. And baby के time जब baby को parturate किया जाता है, delivery होती है, तो वो भी इसी tube के through होती है. ठीक है, जो वल्वा है इसमें एक लेयर है, दैट इज हाइमन. हाइमन जो है दैट कैन ब्रेक बाय टफ एक्टिविटीज लाइक हॉर्स राइडिंग, फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स और साइकिलिंग, किसी भी एक्टिविटी की वजह से वो ब्रेक हो सकती है. सो इट वाज होल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स आती हैं, जैसे तो इफ वी टॉक अबाउट एक्सेसरी ग्लैंड, सबसे फर्स्ट है बैथोलिन ग्लैंड, दैट इज प्रेजेंट इन ऑरिफेस. ऑरिफेस में प्रेजेंट होती है और वो एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग कॉपुलेशन. सो सेकंड है मेमोरी ग्लैंड्स. मेमोरी ग्लैंड्स जो है ये ह्यूमन फीमेल ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, एंड दीज ग्लैंड्स आर यूज टू प्रोड्यूस मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड. कि बेबी के बर्थ के बाद जो लैक्टेशन पीरियड होता है, तब जो फीमेल है दैट शी कैन प्रोड्यूस मिल्क. और ये जो लैक्टेशन का प्रोसेस होता है, दैट कैन बी विद हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स लाइक प्रोलैक्टिन हॉर्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट कैन प्रोड्यूस लैक्टेशन प्रोसेस और दैट कैन प्रोड्यूस मिल्क इन फीमेल. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगेन थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक्स अगेन.